नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो भी पेन ड्राइव से। तो ये पेन ड्राइव है, आप देख रहे हैं। इसको हमने पहले कंप्यूटर को हमने बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया। कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद आपने इसको पेन ड्राइव को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, जिसके अंदर विंडोज 7 होती है। ये बूटेबल पेन ड्राइव है विंडोज 7 की, तो इसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। ये देख रहे हैं, हमने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी है। इसके बाद हमने कंप्यूटर को ऑन करना है। कंप्यूटर को हमने ऑन कर दिया। इसके बाद हमने कीबोर्ड के ऊपर F9, F12 या F2 अपने दबाना है, की दबाना है, प्रेस करना है। ये कीबोर्ड है, डेल भी दबा सकते हैं आप, F9, F10। तो हम दबा रहे हैं इसको, देखते हैं अब क्या आता है। डेल भी दबा सकते हैं आप, F1, F2। हाँ, डेल से हमने देखा कि हमारा जो है बायोस आ गया है। तो आपने क्या करना है, बायोस के लिए आपने सबसे पहले जाना है पेन ड्राइव की क्या सेटिंग होती है। तो हम एडवांस में जाते हैं। अब इसमें जाना है हमने डिवाइस प्रायोरिटी के अंदर, या तो हम जाएंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क में हमने जहाँ पर देखा कि हार्ड डिस्क हमारी फर्स्ट है, तो हमने हास्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने जाना है एडवांस के अंदर, जाना है एडवांस बायोस फीचर। इसके बाद आपने जाना है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ये थर्ड ऑप्शन है, इसके अंदर आपने जाना है। फिर इसके इंटर मारना है, इसके बाद फिर आपने इंटर मारना है और फिर नीचे वाला सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, ये USB कर दिया है और नीचे कर दिया हमने साटा हार्ड डिस्क। तो हम पेन ड्राइव से इसको बूट करें। इसके बाद हमने F10 दबाना है और ओके कर देना है। तो अब हमारा कंप्यूटर पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पर पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा, ये आ गया। फिर हमने इंटर मार दिया है, आप देख सकते हैं विंडोज सेटअप EMS इनेबल्ड, हमने इंटर मार दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ये इससे बूट हो गया है, अब इसको एक जैसे इसमें कुछ सेटिंग आती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है विंडोज 7 इंस्टॉल करने की। ज़्यादातर लोग होते हैं जैसे क्या करते हैं कि अपना डाटा भी डिलीट कर लेते हैं और फिर काफ़ी उनको नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपने ध्यान से देखना है कि हम इसको कैसे करते हैं। तो अब आ गया, ये कह रहा है लैंग्वेज क्या चूज़ करना चाहते हैं। अब इंग्लिश है तो इंग्लिश कर सकते हैं, अगर आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। और आप इसको नेक्स्ट कर दो, तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब इसमें हमने इंस्टॉल नो करना है। आप देख रहे हैं कि विंडो हमारी इंस्टॉल हो रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम डाल रहे हैं विंडोज 64-bit और यह है विंडोज़ अल्टीमेट, परफेक्ट विंडोज अल्टीमेट डाल रहा हूँ मैं 7। तो नेक्स्ट करूँगा, इसके बाद आई एक्सेप्ट करना है और फिर हमने नेक्स्ट करना है। अब हमने अपग्रेड नहीं करना है, हमने कस्टम पर टिक करना है। कस्टम हम देखेंगे कि हमारी जो विंडोज़ थी जिसके ऊपर सिस्टम लिखा है, विंडोज़ हमारे इसके अंदर होती है। तो हमने नीचे ड्राइव में जाना है, इसको सेलेक्ट करना है और फिर ड्राइव एडवांस, और फिर हम इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट मार देते हैं ओके। तो आपने देखा कि हमने विंडोज़ फॉर्मेट मार दिया है, और इसके बाद हमने किसी भी पार्टीशन को नहीं छेड़ना है। नहीं तो अगर आप नीचे छेड़ते हो, अब किसी पार्टीशन को टच करते हो, तो आपका डाटा डिलीट हो सकता है। किसी को भी डिलीट नहीं करना, सिर्फ आपने जिसको फॉर्मेट मारा है उसी को सिलेक्ट करना है और फिर हमने नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इसमें आज विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसकी कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है जिसके द्वारा आपका डाटा बच सकता है। अब आपने तब तक वेट करना है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों, अब देख रहे हैं कि ये हमारी विंडोज़ कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही रिस्टार्ट होगी तो आपने क्या करना है, डेल की दबानी है। इसकी बायोस की सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी, तभी आप नहीं तो विंडोज़ आपकी फिर से पेन ड्राइव से बूट हो जाए, विंडो आपकी इंस्टॉल नहीं होगी। तो अपने रिस्टार्ट होते ही डेल कीबोर्ड की जिससे बायोस में आपने जाना है, डेल की और F1 F2 को दबाने का अर्थ है कि बायोस के अंदर अब हम रिस्टार्ट हो गए। रिस्टार्ट होने के साथ ही आपने इसमें वो करना है।
जैसे 100% कंप्लीट हो गया तो हमने डेल की प्रेस करनी है। यह डेल की, तो आपने क्या करना है, जैसे आपने डेल की प्रेस करनी है, जैसे रिस्टार्ट है, जैसे रिस्टार्ट आ रहा है, उन्हें इंटर मार दिया, अब हमने डेल की प्रेस करनी है। उसके बाद आपने जो हार्ड डिस्क की सेटिंग की थी, जहाँ पर पेन ड्राइव सेलेक्ट किया वहाँ पर आपने हार्ड डिस्क सेट करनी है, फर्स्ट बूट हार्ड डिस्क करना है। अब हम फिर से जाएंगे इसमें एडवांस वॉइस फीचर के अंदर, फिर हार्ड डिस्क डिवाइस के ऊपर जाएंगे, फिर हम इंटर मारेंगे। अब हम यहाँ पर कर देंगे साटा। तो दोस्तों यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। अब इसमें फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका सेटअप चलता रहेगा। फिर आपने F10 दबाना है और यस। तो अब आप देखोगे कि आपकी जो विंडोज़ है वो कंटिन्यू इंस्टॉल होती रहेगी। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं तो आपकी विंडोज़ बार बार बूट होती है पेन ड्राइव। तो ये सेटिंग आपको करनी होती है जिससे आपकी विंडो डल जाए, और तब तक आपने वेट करना है जब तक ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो दोस्तों आप देखोगे कि ये कंप्लीट हो रहा है, तो आपको इसके बाद फिर रिस्टार्ट होता है। तो आपको कुछ भी करना नहीं होता है, अपने सिर्फ जैसे चल रहा है चलने दो, तो आपकी विंडोज़ ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। तब ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक आपने इंतज़ार करना है। आपने कोई डिवाइस बायोस की सेटिंग चेंज नहीं करनी, आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विंडोज़ आपकी डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। तब तक आपने वेट करना है। ये अभी रिस्टार्ट हो रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कीबोर्ड नहीं दबाना है, कुछ भी की नहीं प्रेस करनी है, ऑटोमेटिक ये ऑन होएगा। अभी आपके मदरबोर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कंप्लीट करेगा। अब ये पूछ रहा है आपने क्या नाम रखना है। आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ABC। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट करना है। आप यहाँ पर कुछ पासवर्ड रखना चाहते हो पासवर्ड रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट कर दो। उसके बाद हमने करना है आस्क मी लेटर, और इसके बाद हमने कंट्री सिलेक्ट करनी है अपनी। तो ये सिलेक्ट कर ली मैंने कोलकाता इंडिया, और फिर हमने नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा सिस्टम एक बार स्टार्ट हो गया है, और अब ये विंडोज़ कम्प्लीट इंस्टॉल हो गई है। तो इसके बाद हम इस पर आइकन कैसे लाते हैं, तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक टिक करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, पर्सनलाइज में जाना है। उसके बाद आपने चेंज द डेस्कटॉप आइकन, इसके ऊपर टिक करना है, जूम कर।